29 साल 29 साल पहले जब वो आई थी शादी करके, तब से लेकर अब तक क्या पाया आपने अपनी? भाई हमें ठीक, बहुत अच्छा मिला है इनसे, पढ़ी लिखी आ गई है और बहुत होशियार है। मेरी, मैं आपसे जानना चाहूँगा उस एक दिन के बारे में, कुछ और भी जान पाऊँ, क्या हुआ था उस रोज? वो दिन मैं एक्चुअली भूल नहीं सकती। मेरा सेकंड बेबी होने को था और कब की बात थी, कितने साल? ये 1983 यानी शादी के 2 साल बाद। हाँ, तो सेकंड बेबी जब होने को था तो थोड़ा वक्त था, लेबर पेंस शुरू भी नहीं हुए थे, तो वो वाटर बैग बर्स्ट हो जाता है, तो पेन इंड्यूस करते ही वो प्लेसेंटा प्राइवा हो गया, जिसमें कि देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सेस ब्लीडिंग। तो आपके साथ कोई था जब? मेरे साथ मेरी छोटी नंदे थी, उनको इन चीज़ों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, तो पल्स नहीं मिल रहा था, पल्स नहीं मिल रहा था, आप बेहोश हो चुके सेमी। तो इतने में वो एनेस्थीसिस आ ही गई, तो एनीवे एनेस्थीसिस दिया गया तो मेरे आँखों को बंद कर दिया गया था, एक टॉवल डाल दिया फेस पे कि आप, तो थोड़ी ही देर में मुझे जो सिंकिंग फीलिंग हो रही थी, तो अब मुझे फील हो रहा था कि मैं अब थोड़ी ही देर में मुझे जो सिंकिंग फीलिंग हो रही थी तो अब मुझे फील हो रहा था कि मैं अब जा रही हूँ। तो एक टाइम ऐसा था जब मैंने को अपने को, मैं किसी और एंगल से अपने आप को देख रही थी, मैं वहाँ नहीं थी। आई गॉट अ बेबी गर्ल, माय सेकंड डॉटर वाज बॉर्न, तो वो प्रीमैच्योर थी, तो उस टाइम उन्होंने जो मेरे को सिजेरियन किया था, तो दे हैड गिवन मी अप कि अब उस स्टिच, तो दे लिटरली पुल्ड माय स्किन अप टाइट एंड शी स्टिच्ड इट अप वेरी रफली। उस वक्त मुझे जो हुआ, तो उस वक्त फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि वो हुआ क्या कि दैट गॉट मी आउट एंड गॉट मी इन, दैट विल बी माई क्वेश्चन। किस नाम से बुलाऊं इन्हें, मधु मैरी या 3 बच्चों की एक ऐसी माँ जिसने मौत का सामना करने के बाद अपने बच्चों की खातिर वापस जिंदगी को गले लगाया। आज हमारे साथ गुड़गांव की मधु मैरी, जिनकी मौत से हुई मुलाकात जिंदगी की ही एक चौखट पर। वक्त हो रहा है मधु मैरी को मुक्त कराने का उस सवाल से, जिसके लिए आइए बुलाते हैं उनको जो समझते हैं जिंदगी के हर उस रहस्य को जो चमत्कार के रूप में मिलता है हमें। प्लीज वेलकम डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी। लक्ष्मी, डॉक्टर न्यूटन, मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ, आज कह दूँ? प्लीज। yes. मुझे लगता है कि आप लोग इतने सुंदर लोग हैं, जो है बहुत यंग, बहुत जवान है और विजडम बहुत ज़्यादा है, तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत सुंदरता से प्रस्तुत करता है अपने आप को। सो आई थिंक यू आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल एंड थैंक यू सो मच, आप लोग दोबारा जिंदगी पर दोबारा आए। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर न्यूटन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने अभी अभी मधु मैरी जी से बहुत सारी बातें की उनके एक नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या वाकई कुछ रिश्ते इतने मजबूत, इतने स्ट्रांग होते हैं कि मौत को भी उसके आगे घुटने टेकने पड़ते हैं? डेफिनेटली, बिकॉज इट्स द सोल कनेक्शंस विच आर स्ट्रॉन्गर दैन any kind of connections that we have in the physical plane. A deep bond between two individuals will make them even survive death. The bond I'm talking now is about the soul bond. So when a person is even about to die, the loved one who is staying back here can make the person to come back, make a choice to come back. They defy death. For example, the mother and the child's bond is strongest. The love of the mother
इज द वेरी पावरफुल. बिल्कुल वही बात कही जो हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे हैं और उस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई. तो डॉक्टर लक्ष्मी, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि जो साइंटिस्ट मेडिकल साइंस को मानते हैं, क्या वो स्पिरिचुअल साइंसेस को भी मानते हैं या उनके लिए ये असंभव सा है? देर आर मैनी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट लाइक डॉक्टर रेमंड मूडी, डॉक्टर मेलविन मॉट्स. दे आर अमेजिंग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हु हैव डन यू नो एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन दिस सब्जेक्ट. लेकिन इनका मानना है कि ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव है, ये आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है. अच्छा. जिस एक्सपीरियंस की वजह से हम अपनी आत्मा की असलियत को जान सके एंड जो मरणांतर जीवन है उसके बारे में हम जान सके. सो दे फील दैट ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस अनुभव है, दे आर गिविंग दैट पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर अबाउट द नेचर ऑफ द सोल एंड व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ. बट कई साइंटिस्ट, मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी इससे सहमत नहीं है, क्योंकि वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, नहीं समझ सकते ये जो आध्यात्मिक बात है. लेकिन जब इस थियरी को हम ट्रांसेंडेंटल थियरी कहते हैं, ये जो नियर डेथ अनुभव है ये आध्यात्मिक अनुभव है. वाकई होते हैं, इसमें शक के लिए कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं. दे आर वेरी रियल, वेरी रियल. थैंक यू सो मच डॉक्टर नीति. आज मधुमेहरी से मैंने बहुत सारी बातें की और मधुमेहरी जी ने कुछ बहुत अहम बातें अपनी ज़िंदगी की बताई आज हमें. कुछ सवाल हैं जो मधुमेहरी के दिल में हैं. वो सवाल सिर्फ उनके नहीं हैं, जो जाना हमने उनके बारे में उसके बाद वो सवाल मेरा भी है और वो सवाल आपका भी होगा. वक्त आ गया है उन सवालों के जवाब ढूंढने का. मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर न्यूटन से कि आप गाइडेड मेडिटेशन के जरिए मधुमेहरी की मदद करें. शैल वी गो? आइए. आज मधुमेहरी गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए अपने अनुभव को दोबारा जिएंगी और इस बार उनके साथ हैं डॉक्टर न्यूटन, जो मधुमेहरी के अनोखे अनुभव में छुपे संदेश को जानने में उनकी मदद करेंगे. आज मधुमेहरी जानेंगी उस ताकत के बारे में जो उन्हें खींच लाई मौत के मुंह से, और उनके साथ होंगे हम सब. मधु जी, क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार. जस्ट रिलैक्स विथ ईच साइकल ऑफ ब्रीदिंग. इनहेल ऑल द फ्रेशनेस एंड एक्सहेल ऑल द स्ट्रेस and tensions and worries. Allow yourself to drift much deeper, deeper than ever before, by sending out your mind to this most beautiful place of nature, your favorite place of nature. I would like you to now slowly connect with this beautiful nature. It's your inner landscape. You can start describing me about that place of nature. एक समुद्री तट है, चट्टानें बहुत फूलों से भरा हुआ है. एक गुफा के सामने एक छोटा सा तालाब है. उसमें कमल खिल रहे हैं. समुद्र की लहरें आ रही हैं. मैं वहाँ एक पत्थर के सहारे बैठी हूँ. पैरों के नीचे रेत है. अच्छा लग रहा है.
सिर्फ लहरों की आवाज़ है जो चट्टानों तक जाके टकरा रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं और फूलों के बीच में से हवा की आवाज़ है। महक कुछ मिली जुली है, कुछ फूलों की, कुछ वहाँ बहते पानी में मछली की, पानी की। कुछ अच्छा भी लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा है। शाम का वक्त है तो हवा में थोड़ी सी ठंडक है। This point of time, I'd like to describe about the lotus flowers that are there in the pond. एक कमल है जो पूरा खुला हुआ है और तीन कमल है जो अध खिले हैं। This moment, I'd like you to become one with that nature around you. दुनिया से अलग महसूस कर रही हूँ। Feeling alone. In this deep state of meditation, you can access your subconscious memories. One of the memories where you had gone through this near-death experience. मुझे घबराहट है, मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ कुछ होने वाला है। मेरे चारों तरफ लोगों को घबराहट है। Body, are you feeling this sensation of fear? मेरी छाती भारी हो रही है। बहुत insecure feeling है। किस तरह से आवाज आप सुन पा रहे हैं? एक दूसरे को डांटने की आवाज। ऐसे हाथों में जो मुझे सिक्योर नहीं फील करा रहा। शायद कुछ गड़बड़ है। मैं गलत जगह आ गई। कौन है आसपास? डॉक्टर से, नर्स है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे बहुत शर्म आ रही है। लेबरर्स हैं। आगे बढ़िए। महसूस हो रहा है शायद मैं कल नहीं देखूंगी। मेरे हाथों में नहीं हूँ। आई एम फीलिंग, आई एम गिविंग इन। आई एम फीलिंग, आई एम गिविंग अप। मैं इन लोगों के बीच में हूँ।
मैं इनको समझाना चाह रही हूँ कुछ. समझा नहीं पा रही, वो नहीं सुन रहे हैं मेरी बात. What are you trying to tell in that moment? कुछ भी तो ठीक नहीं है. उन्होंने पेट को चीरा लगाया. मेरे बच्चे को निकाला. पर सबका ध्यान बच्चे में नहीं है. सबका ध्यान उस बच्चे की माँ पे है. मैं सबको कह रही हूँ सब ठीक है. मैं बार बार जाके बच्चे को देख रही हूँ. मुझे बच्चा ठीक लग रहा है. पर कोई बच्चे की तरफ देख नहीं रहा. जिनको मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे को ध्यान दे, वो नहीं दे रहे. मैं वहां से निकलना चाह रही हूँ. मैं वहां से उस बच्चे को उठा के भागना चाह रही हूँ. लेकिन मैं भाग नहीं पा रही. उस बच्चे को ठंड. Completely feel whatever you're feeling in that moment. I'm feeling helpless. Helpless. Very helpless. Someone to cover the baby. Someone at least to look at it. God help me. Help me. Help me to help my baby. I can't do anything for that baby. Someone help me. They've given up on it. Right. I can't give up. I can't give up. I have to do something. Yes. मुझे कुछ करना है. मुझे कुछ करना है. इस बच्चे को मार डालेंगे. अगर मैं कुछ नहीं करूँ उस बच्चे को मार डालेंगे. उस बच्चे को मार डालेंगे. मुझे कुछ करना है. इस बच्चे को मार डालेंगे. अगर मैं कुछ नहीं करूं उस बच्चे को मार डालेंगे. उस बच्चे को मार डालेंगे. आई एम वेरी एंग्री विद दैट बॉडी फॉर गिविंग अप. मेरी मदद करो. वहाँ और भी बहुत लोग जमा हो गए हैं. बहुत अच्छे लोग जमा हो गए हैं. एक है जिनके हाथ में छेद है पर लहू नहीं. एक है जिनके हाथ में लाठी है एक है जिनके सर में घूंघट है. वो लोग बच्चे को देख रहे हैं. उन गुरुजनों से संपर्क कीजिए. I'm pleading with the Guru Channa.
showed me the body, all stitched up. From where you're watching your body? I'm watching from where my feet are. How are you feeling in that moment? दो तरह के ख्याल हैं, जाना है और नहीं जाना है। How are you feeling in that moment? हाथ करके कहीं लेके जा रहे हैं। अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त कीजिए। वेरी ब्राइट लाइट है घर। हाउ आर यू फीलिंग कनेक्टेड विद दिस ब्राइट लाइट? टू ब्राइट। उस तेज प्रकाश को देखकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत रोशन। उनके संदेश को ग्रहण कीजिए, महसूस कीजिए। उन्होंने मुझे एक पहाड़ी पे बैठने को कहा। एक हाथ में उन्होंने एक हरी टहनी। रिटर्न बैक टू दैट मोमेंट lying down there. मैं वापस जा रही हूँ। I don't know how to go back. कोई मदद कर रहा है। I'm going back. Help me to get back. Through my the cut they made to pull my baby out. I'm pushed inside. Right. Pushed inside my pushed inside that uterus. And found the pulse. Loud eye. With this wonderful feelings, wonderful messages, wisdom, clarity, it's the time to return back. धीरे धीरे अब वापस वर्तमान में लौट आइए। One, all the way back to this current moment, this moment. Two, feeling so fresh, so relaxed. Three, alert, awake, conscious. Thank you.
मधुमेहरी, बिल्कुल वक्त जाया नहीं करूंगा, सीधा पहले आप मुझे बताएं वहां क्या हुआ, आपका अनुभव, उसके बारे में कुछ बताएं। कुछ ऐसे लम्हे थे जो मुझे जिंदगी के उस मोड़ तक ले गए जहां मैंने आज वो देखा जो शायद उस वक्त महसूस ना किया हो। अपने सामने सब कुछ होते हुए देखना और कुछ ना कर सकना, वो जो एक फ्रस्ट्रेशन थी वो मैंने महसूस की। कुछ बहुत ही खूबसूरत बातें बताई आपने हम सबको इस दौरान, और कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी इस वक्त? इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगी कि एक भगवान के प्यार के बाद एक माँ की ममता ही एक अनकंडीशनल लव होती है, और एक माँ एक ऐसी देवी का रूप है जो कि किसी भी हद को पार कर सकती है। और ये मुझे उस दौरान महसूस हुआ कि अगर एक माँ चाहे तो उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। यही था। कितनी उमदा बात कही है, माँ भगवान के बाद एक देवी का रूप होती है, और अगर माँ ने ठान ली हो तो मौत को भी उसके आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। बहुत खूबसूरत। तब तो लक्ष्मी, आज हमने जो कुछ भी सुना इनके अनुभवों के जरिए, उसका क्या निचोड़ है? मधु जी के अनुभव से हम दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि शरीर से बाहर जाने के बाद भी मधु जी की आत्मा अपने बच्ची को मदद करने के लिए कैसे तड़पती रही, और वो जो दर्द वो आत्मा महसूस कर रही थी उनको सहायता करने के लिए इतने गुरु लोग, इतने महान लोग भी आ गए, यू नो, टू हेल्प हर, टू गाइड हर, टू कंफर्ट हर इन दैट प्रोसेस, टू सपोर्ट हर इन दैट प्रोसेस। और उसके बाद उन्होंने अपने जो मार्गदर्शक या गुरु से उनको ये मैसेज भी मिला कि जो कुछ भी ये प्यार है, ये प्यार को सबसे सबको बांटना है, नर्चर करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम आजकल वी सी दैट इन द हॉस्पिटल्स, जब भी डिलीवरी हो जाती है बच्ची या बच्चे को ऐसा दूर ना माँ से दूर करते हैं। दिस इज एक्चुअली नॉट राइट, क्योंकि वो बच्ची या बच्चे के लिए माँ का स्पर्श इतना इम्पॉर्टेंट है, वो बॉन्डिंग के लिए दे हैव टू बॉन्ड। यही बात बार बार निकल कर आ रही है, कितनी खूबसूरत बात कही डॉक्टर लक्ष्मी, ममता ने मौत को मार दिया। मधु मेरी की जिंदगी उनकी बेटी मानसी से किस कदर जुड़ी है, ये बात वो दोनों अच्छी तरह जानती हैं। मधु मेरी और मानसी का प्यार अपने आप में एक मिसाल है, उनका रिश्ता इतना मजबूत है जिसके सामने दोनों की मौत ने घुटने टेक दिए थे। आज जहां मधु मेरी अपने आप को अपने परिवार से और जुड़ा हुआ मानती है, वही मानसी की यही कोशिश है कि माँ होने की जो परिभाषा मधु मेरी ने कायम की है उसी के नक्शे कदम पर मानसी भी मातृत्व की एक मिसाल बने। दोबारा जिंदगी की ओर से इन वात्सल्य की प्रतिमा मधु मेरी और मानसी को सलाम। अपनी माँ की सूरत एक बार फिर देखकर, उसमें वो प्यार, वो ममता, उसे एक बार देखकर अपनी माँ को गले जरूर लगाइएगा। मैं जरूर करूंगा। डॉक्टर न्यूटन, आज हमारे लिए क्या संदेश है? टुडेज मैसेज इज मदर्स लव। Everyone need to acknowledge this love of the mother. When we look into our own heart, we recognize this love we all of us received when we are inside the mother's womb for 9 months. It's like a home, and mother has nurtured us, and that is the unconditional love of the mother. And this love makes life very interesting. When we acknowledge it, when we multiply this love that is given by our mothers, and love is life, life is love. Thank you so much. Madhu Mary ke kuch sawalon ke jawab unhe mil gaye hain. Main chahunga ki Dr. Newton jawabon ke alawa ek crystal lotus bhi pradan kare. Lakshmi.